जब कोई बीज को हम लगाते हैं तो उसमें से दो चीजें निकलती है, एक ऊपर की ओर बढ़ता है जिसका पौधा या पेड़ बनता है, और दूसरा नीचे की ओर जाता है जिसका मूल बनता है। इसी प्रकार से यह जो चेतना है इसके भी दो रूट निकलते हैं, एक है अहंकार और दूसरी है अंतकरण, माने आत्मभाव और अनात्मभाव, ये दो डिवाइड हो गए। अब उसके पश्चात छाया अहंकार यो हो ऐक्यम तप्ताय पिंडवन मतम, तो ये जो अहम वृत्ति है इस अहम वृत्ति में चैतन्य का प्रकाश या चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा तो उसके पश्चात यह जो अहम वृत्ति है वो सचेत हो जाती है। अहम वृत्ति अपने आप में निर्जीव है, जैसे दर्पण ले लो तो दर्पण से प्रकाश निकलेगा नहीं, केवल हमको प्रतिबिंबित करेगा, लेकिन उस दर्पण पर यदि किसी लाइट का या टॉर्च का या सूर्य का प्रतिबिंब पड़े तो वहां से दूसरा प्रकाश निकलेगा। लेकिन ये बात एक दीवार के साथ नहीं हो सकती। इसी प्रकार से केवल अहम वृत्ति में ही चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ के जिसको चिदाभास कहते हैं उसके कारण वह जो जड़ वृत्ति है, अहम वृत्ति जो जड़ है, वो इस चेतना के प्रतिबिंब के कारण सजीव हो जाती है। और ये दोनों का तादात्म्य कैसा है, छाया अहंकार यो हो ऐक्यम तप्त अयपिंडवत, माने जैसे लोहा और अग्नि ये दो कैसे एक दूसरे से मिल जाते हैं इसी प्रकार से। और फिर ये जो चेतना अहम वृत्ति है, यह जो सजीव अहम वृत्ति है, तद अहंकार तादात्म्यात्, फिर ये जो सजीव अहम वृत्ति है ये देह के साथ तादात्म्य करके फिर देह भी चेतन हो गया। देखो तो सूर्य का प्रकाश अपना है, सूर्य का प्रकाश एक दर्पण पर पड़ा, उसके द्वारा दर्पण में जो दूसरे को प्रकाशित करने की क्षमता नहीं थी वो निर्माण हो गई उस सूर्य के प्रतिबिंब के कारण, और उसके बाद उसने उस प्रतिबिंबित सूर्य के प्रकाश ने अन्य को प्रकाशित किया। ये तीन बातें हो गई, सूर्य का प्रकाश, दर्पण, दर्पण में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब से और प्रकाश निकला, ये बात यहां समझनी है। तो तद अहंकार तादात्म्या देह चेतनताम गतः, और इस अहंकार का देह के साथ तादात्म्य हो गया तो ये भी अब चेतना का प्राप्त हो गया, ये भी सजीव हो गया। अब यहां तीन बातें कल हमको बताई थी, अहंकार से तादात्म्यम चिच्छाया देह साक्षी भी सहजम कर्मजम भ्रांति जन्यम च त्रिविधम क्रमा। तो ये अहंकार का जो तादात्म्य चिच्छाया माने दर्पण और उस पर पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब, इनका जो तादात्म्य है ये सहज है, इसको आप रोक नहीं सकते। इसी को हम आपको कह रहे थे कि देह के साथ जो तादात्म्य है सहज है, आप इसको रोक नहीं सकते। जब तक के देह चल रहा है तब तक के उसमें देहात्म भाव होगा सहजम। फिर ये चिच्छाया के साथ, देह के साथ नहीं, चिच्छाया के साथ, फिर देह के साथ कर्मजम। तो जब तक के हम कर्म में फंसे हुए हैं तभी तक हमारा देह के साथ तादात्म्य रहेगा, इसीलिए स्वयं को सजीव समझना ये सबके लिए स्वाभाविक है, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं, आप ऑटोमेटिक है। देखो तो अहंकार का चिच्छाया माने चिदाभास के साथ तादात्म्य सहज है, फिर देह के साथ कर्मजम है, अच्छे कर्म करो तो अच्छा देह मिलेगा, बुरे कर्म करो तो बुरा देह मिलेगा। देखो उसके बाद जो साक्षी भी ही, और साक्षी के साथ अहंकार का तादात्म्य भ्रांति जन्यम है। तो क्या भ्रांति जन्य हो गया, ये अहंकार अपने आप को अमर मानता है कि मैं जीव हूं, मैं अमर हूं। जीव हो तब अमर होगा ना, इसको ऐसा भी समझ लो, दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब ये अमर है, क्यों,
मरता ही नहीं कभी। क्यों नहीं मरता? क्यों है ही नहीं? देखो महाराज, तो यह जो अहंकार है ये साक्षी के साथ तादात्म्य करके अपने आप को साक्षी के जैसे मानने लग जाता है। इस प्रकार से यहां तीन बातें हमने कल देखी। अब नौवे श्लोक में बताते हैं, संबंधिनो सतोर नास्ति निवृत्ति सहजस्य तु कर्मक्षयात् प्रबोधा च निवर्तेते कर्मादुभे। तो ये संबंधिनः सहजस्य निवृत्ति न अस्ति बीइंग सतः, ये दोनों जो है बिंब और प्रतिबिंब जिसमें पड़ा है इसको आप निकाल नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, ये होगा ही। फिर जो देह के साथ तादात्म्य है ये कर्मक्षयात्, कर्म का क्षय होने से। अब ध्यान से सुनना, हम जो कर्म करते हैं इस कर्म का निर्माण कैसे होता है? तो कर्म की जो उत्पत्ति है उसके बाद शास्त्र बताते हैं कि पहले हमको अपने में अपूर्णता का भान होना चाहिए कि मैं अपूर्ण हूं, और ये अपूर्णता का भान होने के पश्चात अन्य की प्रतीति होनी चाहिए। फिर अन्य की प्रतीति होने के बाद एक और कल्पना कि यह जो अन्य वस्तु या व्यक्ति है इसके होने से ही मुझ में पूर्णता आएगी, यदि ये वस्तु मुझे नहीं मिली तो मैं अपूर्ण रहूंगा। और ये किसने बताया? ये मणिराम ने बताया, कोई मतलब नहीं उसका, कल्पना कर ली। देखो, और ये कल्पना होने के बाद इसी कल्पना को इच्छा कहते, कामना कहते। और एक बार आपके मन में कामना निर्माण हो गई तो उसका परिणाम कर्म में होगा ही। इसीलिए अविद्या काम कर्म, अविद्या अपने को ठीक से नहीं पहचानना, उसके कारण कामना का जन्म, और कर्म होता है ये कामना का पुत्र। तो अविद्या का पोता, कामना का पुत्र, ये है काम। तो कर्म क्षयात्, इसीलिए कर्म का क्षय करना माने क्या? कर्म का क्षय करने का तात्पर्य अपने मन पर जो इच्छाओं का बोझा है इस इच्छाओं के बोझे को कम करना। कितनी इच्छाएं? इच्छाएं तीन प्रकार की होती है। एक तो वस्तु का संग्रह करने की इच्छा, दूसरा कुछ ना कुछ करने की इच्छा, ये करना है वो करना है ऐसे करना है वैसे करना है, और तीसरी सबसे भयानक इच्छा होती है दुनिया का भला करने की इच्छा। जिस कन्हैया ने दुनिया बनाई है वो अपनी दुनिया का भला नहीं कर सका। देखो, हम दुनिया का भला करने के लिए निकले, भला तब होगा ना कि जैसे पानी में पड़ा हुआ प्रतिबिंब सुधारना चाहते हैं, तो क्या करें? ऐसा करेंगे, हम लोग गंगा जल लेंगे और उसमें जो प्रतिबिंब होगा वो पवित्र होगा, समुद्र के जल में नमकीन होगा। देखो संतो, ये दुनिया के चक्कर में मत पड़ना, हम इस दुनिया में अपने उद्धार के लिए आए। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। लेकिन एक बार आदमी को ये लग जाता है ना कि ये करूं वो करूं, इसका भला उसका भला, देखो ये भी एक बड़ा सात्विक सूक्ष्म अहंकार होता है दूसरे का भला करने का। तो कर्म क्षयात्,